आंटी जी, आप मेरे लिए खरीद ले, मैं बहुत सस्ते दे रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा रो मत, मुझे सही सही रेट बता। बाजार में एक दिया 5 रुपए का है और मैं 2 रुपए का दे रही हूँ, बताओ आपके लिए कितने निकाल दूँ? क्या कहा, 2 रुपए का? ना बाबा ना, ये तो बहुत महंगा है, मैं तेरे दिए नहीं लूँगी। अरे आंटी जी, कहाँ महंगा है, 2 रुपए का तो ही दे रही हूँ, बाजार में तो 5-6 रुपए का रेट है। तू यहाँ से चलती बन, मैं तेरे दिए नहीं लूँगी, पूरे हाई फाई रेट है। आंटी जी, आप 5 रुपए कम दे देना, चलो ले भी लो। मेरी सुबह से बहनी नहीं हुई, बहनी नहीं हुई तो मैं क्या करूँ, मैं ये दिए नहीं लूँगी, और अब तो मुझे चाहिए भी नहीं। अब तो जा यहाँ से, मेरा समय ना बर्बाद कर। ऐसे गोरी कवि चिड़िया की छोटी सी बेटी को खूब सुनाती, वो उदास मन से अपना टोकरा सर पे रख के जाने लगती है। तभी गोरी चुपके से गुड़िया के टोकरे से एक थैली दीपक उठा लेती है और भीतर जाती है। बड़ी आई 2 रुपए का दीपक, मैंने तो फ्री में रख लिए, मुझसे ज्यादा चालाक कोई भी नहीं। ऐसे मुस्कुराते हुए गोरी घर के भीतर जाती और गुड़िया बेचारी दूसरे घर का दरवाजा बजाती। अंकल 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 अंकल, दरवाजा खोलो, मैं दिए वाली आई हूँ, दीपावली के लिए दीपक खरीद लो। गुड़िया कई बार आवाज लगाती, फिर मिट्ठू तोता बाहर आता। हाँ लड़की, क्या है, तुम क्यों दरवाजा बजा रही हो? मैं कितनी गहरी नींद में सोया था। अंकल अंकल, मैं दीपावली के दीपक बेच रही हूँ, तो तुम्हारे घर दिए देने आई हूँ, आप मुझसे दीपक खरीद लो। अच्छा अच्छा, तो तुम दीपक बेच रही हो, चलो चलो अंदर आओ, मैंने अभी तक दीपक खरीदे भी नहीं। गुड़िया को थोड़ी खुशी मिलती और वो खुशी खुशी अपना टोकरा मिट्ठू के घर में रखती। बताएं अंकल जी, आपको कितने दीपक चाहिए? लड़की दिखा, तेरे दीपक कैसे हैं? मैं देख कर लूंगा। हाँ हाँ अंकल, ये देखो मेरे दीपक एकदम पके हुए हैं। हाँ हाँ ठीक है, वैसे एक दीपक कितने रुपए का है? अंकल जी, एक दीपक 2 रुपए का है। क्या क्या कहा, 2 रुपए का एक दीपक? तुम्हारे रेट तो सबसे अलग है, मैं इतने महंगे दीपक नहीं खरीद सकता। और तुम्हारे दीपक एकदम सादा सिंपल, देखो ना कोई कढ़ाई है, कैसे मिट्टी घुल रही है। अरे अंकल, कहाँ मिट्टी घुल रही है, दीपक तो ऐसे ही होते हैं। देख चिड़िया की बेटी, मेरी बात ध्यान से सुन, 1 रुपए का एक दीपक देना है तो दे दे, वरना चलती बन। नहीं अंकल, 1 रुपए का दीपक तो मुझे भी नहीं मिलता, मैं 2 रुपए का ही दूंगी। अब चिड़िया की बेटी बहुत उदास हो गई थी, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ, मेरे दीपक तो कोई नहीं खरीद रहा, अपनी बीमार माँ का इलाज कहाँ से कराऊंगी, मेरा तो एक भी दीपक नहीं बिचा। ऐसे रानो चिड़िया की बेटी बहुत उदास थी, वो दुखी मन से उड़े जा रही थी और आवाज भी लगा रही थी, दीपक ले लो, दीपक ले लो, दीपावली के दिए ले लो, कोई मेरे दिए ले लो। ऐसे गुड़िया आवाज लगाते लगाते एक घर के पास पहुँचती, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। कोई है घर के अंदर, कोई है, कृपया मेरे दिए ले लो। गुड़िया बाहर से ही आवाज लगाती और एक चील घर के बाहर आता। अच्छा चिड़िया की बेटी, तुम सही समय पर आई हो, मैंने अभी तक दीपक नहीं खरीदे, मेरे घर के लिए 20 दीपक दे दो। गुड़िया खुश हो गई थी और वो खुशी खुशी 20 दीपक पन्नी में डाल देती। ले चील अंकल, आपके 40 रुपए हुए। अरे रे, इतने महंगे, क्या लूट मची है, मैं इन दियो के 20 रुपए दूंगा, लेने हैं तो लो, वरना चलती बनो। अरे अंकल, 20 रुपए में तो नहीं आएंगे, आप 30 रुपए दे दे। 20 लेने हैं तो ले लो, वरना चली जाओ यहाँ से, मैं किसी और से ले लूँगा। उस चील की ये बात सुन गुड़िया तो सोच में पड़ गई थी, मम्मा को तेज बुखार है और किसी ने मेरे दिए नहीं खरीदे, एक काम करती हूँ 20 रुपए में दे देती हूँ, कम से कम मम्मा की दवा तो आ जाएगी। लो अंकल, आप 20 रुपए में ही ले लो। फिर चील उसे 20 का नोट देता और गुड़िया दुखी मन से चली जाती है। वो बहुत उदास थी, वो दुखी मन से अपने दिए मजबूर होकर सस्ते में बेच रही थी। दिए ले लो, कोई मेरे दिए ले लो, 1 रुपए का एक दिया, मैं बहुत सस्ता दे रही हूँ, कोई मेरे दिए ले लो। चिड़िया की बेटी लगातार रोए जा रही थी, तब रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता। अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो और इतने सस्ते दिए क्यों बेच रही हो, 1 रुपए का एक दिया तो कोई नहीं देता।
अंकल जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं 2 रुपए का दिया दे रही थी, सबको मेरे दिए महंगे लगे, तो मैंने अपना दिया 1 रुपए का कर दिया। आप भी खरीद लो, मैं बाजार से बहुत सस्ते दे रही हूँ। अरे बेटा, इस दुनिया में ऐसे ही लोग हैं। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे सारे दिए खरीद लूँगा और रुपए भी पूरे दूंगा, तुम चिंता मत करो। कालो कौवे को चिड़िया की बेटी पर बहुत दया आती और वो उसे अपने साथ घर ले आता। अरे अंकल जी, ये घर आपका है? यहाँ तो मैं दिए देने पहले आ चुकी थी, लेकिन आंटी जी ने नहीं खरीदे। कोई बात नहीं बेटा, मैं खरीदूंगा, तुम अंदर चलो। फिर कालो कौवा चिड़िया की बेटी को लेकर अंदर जाता और उसके दिए नीचे रखवाता। गौरी गौरी कभी जरा बाहर आओ, देखो कौन आया है। गौरी कभी जल्दी से बाहर आती। गौरी जी, क्या आपने इस बच्ची से दिए नहीं खरीदे? ये कितना सस्ता दे रही है, बोल रही थी तुम्हें बहुत महंगे लगे। कालू जी, जरा तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर गौरी कवि कालू को कमरे में ले जाती। देखे कालू, मैंने दिए ले भी लिए, लेकिन गौरी वो तो बोल रही थी तुमने दीपक खरीदे ही नहीं। कालू, मैंने दीपक खरीदे नहीं, उस चिड़िया के टोकरे से चोरी कर लिए। देखो हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। क्या कहा तुमने, उस बेचारी गरीब के दीपक चुरा लिए? जरा मेरे साथ बाहर चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी को गुड़िया के पास लेकर आता और गुड़िया से सवाल करता। छोटी बच्ची, आप ये दिए क्यों बेच रही हो? आपकी उम्र तो खेलने कूदने की है। कौवे अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है और उनकी दवा के लिए 1 रुपया भी नहीं, तो मैं ये दीपक बेचने आई हूँ ताकि अपनी बीमार माँ का इलाज करा सकूं, लेकिन कोई मेरे दिए खरीद ही नहीं रहा। गौरी को तो गुड़िया की बात पर बहुत दया आती, वो बहुत पछता रही थी। बेटी, आप अपने सारे दीपक हमें दे दो, हमारा घर बहुत बड़ा है। क्या आंटी जी, आप मेरे सारे दीपक खरीदोगी? गुड़िया तो बहुत खुश हो गई थी, वो सारे दीपक थैलियों में डाल देती और कालू कौवा अपने पर्स से पैसे निकालता। लो चिड़िया बेटी, पूरे 5,000 हैं, तुम अपने लिए मिठाइयाँ और कपड़े भी खरीद लेना और अपनी मम्मा का अच्छे से इलाज कराना। गुड़िया तो 5,000 रुपए देकर बहुत खुश हो गई थी। धन्यवाद अंकल जी, आपने मुझे कितने सारे रुपए दिए, मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मम्मा के लिए जूस लेकर जाऊंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खुशी खुशी गुड़िया अपने घर जाती, अपनी मम्मा का उन पैसों से बढ़िया इलाज करवाती और खुशी खुशी दीपावली का त्योहार मनाती। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि रानो चिड़िया ने पहली बार 3 अंडों को जन्म दिया था। हे ऊपर वाले, 13 लाख लाख धन्यवाद, देर से ही सही, मगर अब मैं 3 बच्चों की माँ कहलाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ, अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश हूँ। अच्छा चिड़िया बहन, अब मैं भी अपने घोंसले में जाती हूँ, मेरे बच्चे अकेले होंगे। ठीक है सहेली, ध्यान से जाना, अब अंधेरा भी होने वाला है। तुम्हारा घोंसला यहाँ से कितना दूर है? मैं तो कहती हूँ तुम भी अपना घोंसला इसी पेड़ पर बना लो, फिर हम दोनों साथ साथ रहेंगे। हाँ रानो सहेली, तुम ठीक कहती हो। हाँ रानो सहेली, तुम ठीक कहती हो। मैं कल से ही तुम्हारे घोंसले के पास अपना घोंसला बनाना शुरू कर दूंगी, फिर दोनों सहेलियाँ मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन अभी तो मुझे जाना होगा। ऐसे बातें कर रानो की दूर की सहेली वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया को अपने अंडे बहुत प्यारे थे, वो लगातार उन्हें देखती ही रहती, तो कभी प्यार से बातें करती, शाम से रात हो जाती है। अरे ये रात कब कब में हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, पर छोड़ो अब तो पानी पीने सुबह ही जाऊंगी। इतना कहकर मम्मा चिड़िया फिर से अपने अंडों को प्यार से सहलाती, तभी एकदम से आसमान काले बादलों से घिर जाता है। पेड़ आपस में टकराने लगे थे, बिजली बार बार उजाला करती, मम्मा चिड़िया तो बहुत डर गई थी। लूसी जी, सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दो, मौसम बहुत खराब है, शायद आंधी तूफान आने वाला है। लूसी कबूतर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे, कोई बाहर झांक कर भी नहीं देखता। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। अरे ये मौसम तो और भी ज्यादा खराब हो गया, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। मुझे अपने अंडों के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा जिसमें बारिश का पानी ना जा सके। बारिश होने लगती है,
मम्मा चिड़िया अपने तीनों अंडों को एक पेड़ के खोकल में ले जाती है। ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है, अच्छा हुआ जो मैं अपने अंडों को यहाँ ले आई। अब चाहे कितनी भी बारिश हो, मेरे अंडों को कुछ नहीं होगा। ऐसे रानो चिड़िया को कोई चिंता नहीं थी, वो आराम से अपने अंडों के पास बैठी थी। तभी एक हवा का झोंका आता है और पेड़ को उड़ा ले जाता। चिड़िया बड़ी मुश्किलों से अपने तीनों अंडों की जान बचाती। अब मैं क्या करूं? मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं, ऐसे तो मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी। मुझे इन्हें बारिश से बचाना होगा। बेचारी मम्मा चिड़िया अपने अंडों को कहाँ छुपाती, सब जगह तो पानी बरस रहा था। चिड़िया यहाँ वहाँ देखती है, उसे एक घर दिखाई देता। वो तुरंत ही भागकर दरवाजा खटखटाती। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं, कृपया दरवाजा खोलो। बारिश की आवाज बहुत तेज थी, अंदर सोया मिट्टू तोता चिड़िया की आवाज नहीं सुन पाता। मम्मा चिड़िया खूब दरवाजा खटखटाती, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। बारिश तो बढ़ती जा रही थी, ये बारिश भी बढ़ती जा रही है। अब मैं क्या करूँ? कोई तो दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। ऐसे रानो चिड़िया अपने तीनों अंडे लेकर कई घरों का दरवाजा खटखटाती, मगर रात के समय सब गहरी नींद में सोए हुए थे। कोई चिड़िया की आवाज नहीं सुन पाता। बेचारी चिड़िया के अंडे पूरी रात बारिश में भीगकर खराब हो जाते। सुबह को उसकी सहेली आती। रानो सहेली, तेरे तीनों अंडे तो टूट चुके हैं, लगता है ये पूरी रात बारिश में भीगे। नहीं तो मेरे अंडे सुरक्षित हैं, इनसे प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा कभी मेरे अंडों को खराब ना कहना। अरे रानो सहेली, अब इन अंडों से कोई बच्चे नहीं निकलेंगे, लगता है तुम्हें गहरा सदमा लगा है, अंडे बिल्कुल टूट गए हैं। मम्मा चिड़िया को तो इस बात पर बहुत गुस्सा आता, वो तो अपनी सहेली को मारने लगती है। चुप, एकदम चुप, एक बार और कहा तो तेरा सर फोड़ दूंगी। भाग यहाँ से, मेरे बच्चे एकदम ठीक है, आई बड़ी खराब कहने वाली। दोबारा बोला तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, आई मेरे अंडों को परेशान करने, चल भाग यहाँ से। डर के मारे मुनमुन वहाँ से चुप चली जाती। रानो उन टूटे हुए अंडों को बिल्कुल सही सलामत समझती। कुछ दिन बीत जाते हैं, जंगल में फिर से बारिश हुई थी। अरे बारिश हो रही है, मैं अपने अंडों को भीगने नहीं दूंगी। हो रहा एक घर, जल्दी से वहाँ जाती हूँ, वरना ये खराब हो जाएंगे। चिड़िया उन टूटे हुए अंडों को लेकर कौवों का दरवाजा खटखटाती। गोरी दरवाजा खोलती है। अरे कौवी बहन, मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं, मुझे अपने घर में जगह दे दो, वरना मेरे अंडे बारिश में खराब हो जाएंगे, मैं सुबह को चली जाऊंगी। अरे अरे चिड़िया, ये अंडे तो टूटे हुए हैं, तुम मुझे पागल समझती हो क्या, जो इन टूटे अंडों के लिए जगह मांग रही हो, चलो भागो यहाँ से। कभी मारूंगी तुझे भी, मेरे अंडों को जो टूटा बोला, मैं नहीं आऊंगी तेरे घर में, मैं जाती हूँ। इतना बोलते हुए चिड़िया दूसरे घर जाती, वहाँ भी यही सब होता। कबूतर जी, लगता है चिड़िया अपने अंडों के गम में पागल हो गई है, जो बार बार इन टूटे अंडों को लेकर घर घर जाती है। हाँ लूसी, बारिश में इसके अंडे खराब हो गए थे, लेकिन ये इन्हें फेंकते ही नहीं। बेचारी जब भी बारिश आती है, ये ऐसे ही घर घर जाकर मदद मांगती है। प्यारे दोस्तों, मम्मा चिड़िया कैसे ठीक होगी? क्या वो अपने बच्चों के गम से निकल पाएगी? ये सब देखने के लिए कल तक का इंतजार करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अब बूढ़ी हो चुकी थी, वो अपने काम खुद से नहीं कर पाती, बढ़ती उम्र के बुढ़ापे से परेशान थी। उसकी बहू का बर्ताव दिन पे दिन बदलने लगा था। बहू बेटी, नहाने के लिए थोड़ा गर्म पानी कर दो, मैं 3 दिनों से नहीं नहाई। तो सासू माँ, नहाने के लिए पानी गर्म करने की क्या जरूरत है, अभी तो गर्मियों का मौसम है, आप ठंडे पानी से ही नहा लें। मेरी बेटी, मुझे ठंडे पानी से ठंड लगती है, तो थोड़ा सा पानी गर्म कर दे, मैं उसी से नहा लूंगी। रानो चिड़िया की बहू पर तो बहुत जोर पड़ता। अब इस बुढ़िया के लिए चूल्हा जलाऊं या फिर आराम करूं? सुबह से थक गई हूं, एक काम करती हूं, बुढ़िया से मना कर देती हूं। सासू माँ, लकड़ी थोड़ी सी है, अगर पानी गर्म किया तो शाम का खाना नहीं बना पाऊंगी, आप ठंडे पानी से ही नहा लें। ऐसे बोलकर रानो की बहू अपने घोंसले में चली जाती है। रानो धीरे धीरे गुसल खाने में जाती और ठंडे पानी से ही नहा लेती है, लेकिन उसे तो बहुत तेज ठंड लगी थी। वो जल्दी से चूल्हे के पास धूप में आती है, तो वहाँ पर तो लकड़ियों का गट्ठर पड़ा था। बहू ने मना क्यों किया, लकड़ी तो बहुत है, शायद वो भूल गई होगी, घर के कामों में
व्यस्त जो रहती है। ऐसे रानो चिड़िया पूरा दिन कंबल ओढ़ के अपने घोंसले में पड़ी रहती। शाम को उसका पति कुक्कू घर आता है, जो अपनी बूढ़ी माँ के लिए पपीता लाया था। सोनम जी, मैं माँ के लिए पपीता लाया हूँ, आप माँ को काट कर दे देना। ऐसे बोलकर वो अपनी माँ के पास जाता है। मम्मा चिड़िया तो घोंसले में ही लेटी हुई थी। माँ, आप ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लो माँ, आपकी आँखों की दवा, मैं कल भूल गया था और आपके लिए पपीता लाया हूँ, सोनम तुम्हें दे देगी। ऐसे कुकू अपनी माँ से बातें कर रहा था, जो दरवाजे पर खड़ी उसकी पत्नी को तो बहुत बुरा लगता है। कुकू जी, मैंने आपसे अपना भी कुछ सामान मंगाया था, आपके हाथ में तो ऐसा कुछ नहीं है, लगता है सब कुछ इस बुढ़िया पर ही खर्च कर रहे हो। सोनम, आप ये कैसी बातें करती हो? माँ का सामान जरूरी था, उनकी दवा थी, और आपका तो बाद में भी ला सकता हूँ। कुकू के इसी बात पर सोनम बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से तेजी से जाती है। रानो चिड़िया को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगता। बेटा, जो बहू ने मंगाया था पहले वही ले आता, ये सब लाने की क्या जरूरत थी, कल याद से ले आना। ठीक है माँ, मैं ले आऊँगा, अपना ख्याल रखना, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अगले दिन कुक्कू काम पर चला जाता है। आज उसकी पत्नी ने चावल बनाए थे, रानो को बहुत तेज खांसी थी। लो माँ जी, ये चावल खा लो। बेटी बेटी, मुझे रात से अचानक खांसी होगी, चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं, मुझे थोड़ा सा पपीता दे दे। सारा पपीता तो सोनम चिड़िया पहले ही खा गई थी। वो रानो से झूठ बोलती है। माँ जी, पपीता तो खराब निकला था, मैंने फेंक दिया, खाने हैं तो ये चावल ही खा लो, मुझसे कुछ और नहीं बनेगा। ऐसे सोनम बहू रानो के पास चावल ही रखे चली जाती है। रानो को तेज भूख लगी थी, वो थोड़े से चावल खा लेती है, जिस कारण उसकी खांसी और भी बढ़ गई थी। सोनम, माँ को खांसी हुई है, आपने मुझे बताया होता तो मैं रास्ते से खांसी की दवा ले आता। कुकू जी, मुझे घर में 100 काम होते हैं, 24 घंटे माँ के पास ही नहीं रहती, मुझे नहीं पता चला उन्हें कब खांसी हुई। कुकू चुप हो जाता है और खाना खा के सो जाता है। रानो तो खांसी से पूरी रात परेशान रहती, उसे तेज बुखार हो गया था। कुकू सुबह होते ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। माँ जी को मोती जीरा है, मैं ये दवाई दे देता हूँ, खाने पीने का ख्याल रखना, ठंडी चीजें माँ जी को ना देना, और हाँ, माँ जी को गर्म पानी से नहलाना। रानो चिड़िया डॉक्टर की बात ध्यान से सुन रही थी, मगर वो क्या कहती, उसकी बहू तो उसका एक कहा नहीं मानती। कुक्कू अपनी माँ को घर ले आता है और सोनम को सारी बात बता देता है। सोनम जी, मैं माँ के लिए फल लेने जा रहा हूँ, और आप माँ के परहेज का ध्यान रखना, कोई गलती से भी ठंडी चीज माँ को खाने में ना देना। ऐसे अपनी पत्नी को समझा कर कुकू बाहर चला जाता है, मगर सोनम तो किसी बात पर ध्यान नहीं देती। बहू, मुझे भूख लगी है, कुछ बना है तो दे दो, मुझे दवा लेनी है। लो माँ जी, आलू का रायता और पूड़ी बनाई है, कुक्कू को बहुत पसंद है। लेकिन बेटी, मैं ये सब नहीं खा सकती, आप मेरे लिए खिचड़ी बना दे, मैं वही खा लूँगी। खाना है तो यही खाओ, मैं और कुछ नहीं बनाने वाली, दिन भर तेरी नौकरी नहीं करूँगी। ऐसे बोलकर सोनम वहाँ से चली जाती है। रानो सोच में पड़ी थी, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो कुक्को देख लेगा और बहू को खामे खा सुनाएगा। खा ही लेती हूँ, बुढ़ापे के दिन है, कौन सा मुझे सेहत बनानी है, मेरी वजह से बहू बेटे में झगड़ा हो, मैं ये कभी नहीं चाहूँगी। ऐसे सोचकर रानो वो पूड़ी रायता खा लेती है, और जिसके कारण उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है, उसका बुखार तो तेज हो गया था। लो सोनम जी, माँ के लिए फल लाया हूँ, मुझे बहुत जल्दी है, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। हाँ, आपका टिफिन तैयार है, और आते समय आइसक्रीम ले आना, मैंने कई दिनों से आइसक्रीम नहीं खाई। ठीक है सोनम जी, मैं ले आऊँगा, अब जल्दी से हटो, मैं एक बार माँ को देख कर आता हूँ, वो अभी उठी नहीं है। कुकू, तुम्हें देर हो रही है, माँ को मैं देख लूँगी, अब जाएं, वरना देर हो जाएगी। ठीक है, माँ का ख्याल रखना, उनका जो मन करे वो बना के दे देना। ऐसे बोलकर कुकू अपने काम पर चला जाता है। सोनम बहू दरवाजा बंद कर लेती है और अपने घोंसले में सो जाती है। आज रानो चिड़िया से उठा भी नहीं गया था, वो सिर्फ आवाज देती है। सोनम बहू, जरा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे पास आओ। ये बुढ़िया तो हर समय ठाली पड़ी रहती है, मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। माँ जी, मेरे पास
चारों काम है, पहले वो कर लूँ तब तुम्हारे पास आऊँगी। चुप करके लेटी रहो। लेकिन बेटा मेरे पास समय नहीं है, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। फिर से इस बुढ़िया को कुछ चाहिए होगा, चिल्लाने दो, मैं नहीं जाती। ऐसे सोनम अपनी सास की एक नहीं सुनती, मगर वो क्या जानती थी, उसकी मम्मा सास अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इधर कुक्कू का अपने काम पर बिल्कुल मन नहीं लगता, वो बेचैन सा था। पता नहीं आज मन क्यों बैठा जा रहा है, सब ठीक तो होगा, काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, आधी छुट्टी लेकर घर चला जाता हूँ, यही सही होगा। ऐसे कुक्कू आधी छुट्टी लेकर घर आ जाता है, वो सीधा अपने माँ के घोंसले में जाता। अपने बेटे को देखकर रानो चिड़िया को तो सुकून मिलता है, वो अपने बेटे को देखकर खूब रोती है। सोनम भी कुक्कू की आवाज़ सुन के आ जाती है। माँ आप ठीक तो हो ना, अभी तक घोंसले में क्यों लेटी हो आप, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। सोनम जल्दी से मेरी मदद करो। नहीं नहीं बेटा, अब मेरा ऊपर जाने का समय आ गया। कब से तुम्हें याद कर रही थी, उस संदूक में जमीन के कागज रखे हैं और गौरी के पास मेरे गहने हैं जो सेफ्टी के लिए उसके घर में रखे थे, जाकर ले लेना और सोनम बहू को सौंप देना। अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलते बोलते रानो की आँखें बंद हो जाती है, वो मर जाती है। सोनम तो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थी। सोनम तो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थी कि कब से उसकी सास उसे आवाज देकर बुला रही थी और वो नजरअंदाज करती रही। उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता, वो खुद से आंखें नहीं मिला पा रही थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अपने बड़े बूढ़ों की खूब सेवा करें, उन्हें कोई शिकायत का मौका ना दें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते हैं। आपका धन्यवाद।